मेरा नाम विश्वनाथ तिवारी है, मैं अमर उजाला का तहसील प्रभारी हूँ। जैसे कि 9 वर्ष आज मनाया जा रहा है, बहुत लोग फेसबुक पर अंग्रेजी 9 वर्ष के नाम से संज्ञा दे रहे हैं, सही भी बात है, लेकिन कुछ विसंगतियाँ हैं। जैसे वित्तीय वर्ष में जब प्रशासनिक स्तर पर 1 अप्रैल से चेंज होता है, लेकिन हमारा कैलेंडर 1 जनवरी से ही चेंज हो जाता है। तो कैलेंडर चेंज हो गया, यानी हम लोग साल वहां से अपना मान लिए। हम लोग हिंदी, हम लोग ठीक है, चैत प्रतिपदा को हम लोग हिंदी 9 वर्ष मानते हैं, तो हमारा कैलेंडर भी उसी दिन चेंज होना चाहिए, लेकिन हमारा कैलेंडर चेंज होता है 1 जनवरी से। विसंगतियां आ गई। फिर एक जो है वित्तीय वर्ष शुरू होता है प्रशासनिक स्तर पर 1 अप्रैल से, मार्च क्लोजिंग जिसको कहा जाता है, तो मार्च के बाद 1 अप्रैल से वो लोग नया अपना खाता बही शुरू करते हैं। ये सब विसंगतियां हैं। अगर हिंदी 9 वर्ष मनाना है तो फिर जनवरी वाला कैलेंडर हम लोग को एकदम से इसको मानने से इनकार कर दिया जाए, सरकार इसको खत्म कर दे। 1 जनवरी नया साल से शुरू हो जाता है, 1/1/2023 शुरू हो गया, फिर फरवरी में दूसरा महीना कहा जाएगा। तो फिर हम लोग चैत अगर 9 वर्ष मानते हैं, हमारा है भी, हम भी मानते हैं हिंदू 9 वर्ष, लेकिन हिंदू 9 वर्ष तो हमारा कैलेंडर भी उसी दिन चेंज होना चाहिए। फिर जनवरी में चेंज कैलेंडर होने से क्या क्या मतलब है? फिर एक बार हम लोग का मार्च क्लोजिंग हो जाता है। ये विसंगतियां दूर करनी होगी, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हमारा हिंदी 9 वर्ष हम मनाएंगे, अंग्रेजी 9 वर्ष है इसको नहीं मनाएंगे। लेकिन सब लोग तो उसी में ढल गए हैं। जनवरी 9 वर्ष को हम लोग मानते हैं, मना रहे हैं और बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर लोग डायरी देना शुरू कर देते हैं कि नया वर्ष है, डायरी भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इसको समझना होगा और इसको सही से इसको चेंजिंग लानी होगी। ठीक, नमस्कार।